गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फाइंड आउट कर ली थी। उसके फॉर्मूला था U equals to Q square upon 2C, half CV square and half QV। तीन फॉर्मूले हमने डिराइव करे थे, ठीक है, तीनों एनर्जी के ही फॉर्मूले थे। उसके बाद हमने एनर्जी डेंसिटी की बात करी थी, ठीक है ना, कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी। इसका फॉर्मूला आया था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये फॉर्मूला वैसा ही था जो हमने सेकंड चैप्टर में कंडक्टर की सरफेस पर प्रेशर कैलकुलेट किया था, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हो गए थे। उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन की एनर्जी की भी बात करी थी, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल एनर्जी क्या होती है, तो वो भी हमने चेक कर ली थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, आप डिफरेंट डिफरेंट जो भी कैपेसिटर आप उसमें कनेक्ट कर रहे हो उन सबकी एनर्जी अलग अलग फाइंड आउट कर लो, डिफरेंट एनर्जीज फाइंड आउट कर लो और उन सबका क्या कर लो टोटल। दोनों केस में सेम ही कॉन्सेप्ट था, दोनों केस में सेम ही कॉन्सेप्ट था कि भाई अलग अलग हम फाइंड आउट कर लेते हैं एनर्जी और सबकी फिर टोटल कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने लास्ट क्लास में तीन टॉपिक डिस्कस किए थे और तीनों आसान थे। आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो और भी इजी है, ठीक है ना, बहुत सिंपल टॉपिक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर। आपके पास दो चार्ज कंडक्टर है सपोज, उसको आपने किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, लेस कैपेसिटेंस के वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्जेस का क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वो तब तक होता है जब तक कि दोनों बॉडीज पे पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। और ऐसा हमने फर्स्ट चैप्टर में जब चार्ज की प्रॉपर्टी कर रहे थे या फर्स्ट चैप्टर में जब हमने पढ़ा था कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज कैसे ट्रांसफर करते हैं, कितने मेथड से करते हैं, तो मैंने उसमें एक मेथड बताया था, कंडक्शन मेथड। उस कंडक्शन मेथड में यही था कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी से हम टच कराते हैं तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं तब तक जाते हैं जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ठीक है ना। ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, तो हम देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन से हमारा क्या क्या कॉन्सेप्ट आएंगे, कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है ना चार्जेज का रेशियो क्या रहेगा, ठीक है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या रहेगी वो हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम एनर्जी लॉस की बात करेंगे, उसके बाद हम एनर्जी और उसके साथ अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखो अपने पास दो कंडक्टर है, ये कंडक्टर ए और ये वाला कंडक्टर बी, ठीक है ना, स्फेरिकल कंडक्टर ही ले लो, एक की रेडियस R1 मान ली और दूसरे की रेडियस, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो C1 और इसकी कैपेसिटेंस C2, साइज अलग है तो कैपेसिटेंस भी अलग अलग हो। दोनों को हम एक नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पर रख देते हैं। एक नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पर इसलिए रखते हैं कि चार्ज जो है वो ग्राउंड नहीं हो, ठीक है, नीचे नहीं जाए, इस कंडक्टर पे ही रहे। ये हमने नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पर रखा हुआ है दोनों बॉडीज को, दोनों कंडक्टर को, ए कंडक्टर और बी कंडक्टर जिनकी रेडियस R1 R2 है, कैपेसिटेंस C1 C2 है। मान लो मैंने इसको Q1 चार्ज से चार्ज किया हो, इसको मैंने कितना चार्ज दिया Q1, फर्स्ट वाले को मैंने कितना चार्ज दिया Q1, देन इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ वो V1 है। जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसके सरफेस पे या उसके क्रॉस पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो हमने इसको Q1 दिया तो पोटेंशियल V1 मान लिया। इसको हमने Q2 चार्ज दिया, इसको हमने कितना दिया चार्ज Q2, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल हुआ वो V2 हुआ, ठीक है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ वो V2 हुआ, ठीक है। ये तो बिफोर कॉम्बिनेशन की बात है, ये तो बिफोर कॉम्बिनेशन। अगर टोटल चार्ज की बात करें अपन दोनों बॉडीज पे, टोटल चार्ज Q = आप लिखोगे Q1 + Q2, Q = Q1 + पे हमने अभी रिकॉम्बिनेशन या कंबाइंड नहीं किया हुआ, इन दोनों को कंबाइंड नहीं किया, दोनों बॉडीज अलग अलग है और दोनों के कैपेसिटेंस डिफरेंट है, दोनों को चार्ज डिफरेंट दिया हमने, दोनों पोटेंशियल डिफरेंट होगा, बट टोटल चार्ज की बात करें दोनों की तो Q1 + Q2, इसको Q1 दिया इसको Q2, तो टोटल चार्ज Q = Q1 + Q2। अब आप ध्यान से देखो Q1 का फॉर्मूला, इसके लिए बात करें इसके कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल V1, देन Q1 कितना होगा C1 V1, ऐसे Q2 सॉल्व करें C2 V2, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इन दोनों को किसी लेस कैपेसिटेंस वाले वायर से कनेक्ट करते हैं। लेस कैपेसिटेंस या लेस रेजिस्टेंस क्यों लेंगे बेटा, ताकि उसमें लॉसेस कम हो, उस वायर से जब चार्ज फ्लो होगा तो वहां लॉसेज होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, तो वो कम से कम हो, इसलिए हम लेस कैपेसिटेंस या लेस रेजिस्टेंस का वायर लेंगे जिससे मैक्सिमम चार्ज जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो हो जाए, वहां पे लॉसेज कम हो। तो अब हम कंबाइन कर देते हैं दोनों कंडक्टर को,
ये कंडक्टर ए, ये आपका कंडक्टर बी, ये वाला ए था, ये वाला बी था, इसके रेडियस आपने आर वन कंसिडर कर रखी है, इसके रेडियस आपने आर टू कंसिडर कर रखी है, दोनों वही नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पर रखे हुए, सिंपल। उसके बाद देखो भाई कंबाइन करते हैं, आफ्टर कॉम्बिनेशन आपने लेस कैपेसिटेंस का एक वायर लिया और उनको कनेक्ट कर दिया, लेस कैपेसिटेंस का एक वायर लिया, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर ऑफ लेस कैपेसिटेंस, अगर इसका कैपेसिटेंस कम होगा तो इसमें चार्ज कम टूटेगा, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को तो कैपेसिटेंस बोलते हैं, तो एक्चुअल में कंडक्टिंग वायर है, इसका कैपेसिटेंस लो होगा, कम होगा तो इसके ऊपर चार्ज रुकेगा नहीं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा, या तो इससे इसमें या इससे इसमें, इस वायर के ऊपर चार्ज नहीं रुकेगा, बिकॉज इसकी कैपेसिटेंस हम क्या ले रहे हैं, लेस, बिल्कुल कम ले रहे हैं, इसकी कैपेसिटेंस सी वन ही है, इसकी कैपेसिटेंस सी टू ही है। मान लो चार्जेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्जेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, चार्जेज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में गए, कब तक जाएंगे, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, मान लो दोनों पे पोटेंशियल क्या आ गया, जिसे हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन सपोज इस पे चार्ज रह गया क्यू वन डैश और इस पे कितना रह गया बेटा क्यू टू डैश, क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्जेस का, कब तक हुआ, जब तक दोनों पे पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए वी वी, और आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन सपोज इस पे चार्ज रह गया क्यू वन डैश और उस पे रह गया क्यू टू डैश, कैपेसिटेंस वही रहेगी क्योंकि हमने इसकी साइज चेंज नहीं करी, हमारे कंडक्टर वही हैं, तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन या आफ्टर कॉम्बिनेशन लिख लो, आफ्टर कॉम्बिनेशन अगर हम टोटल चार्ज की बात करें q डैश की, सपोज उसको मैंने बोल दिया q डैश, तो उसका फॉर्मूला होगा q1 डैश प्लस q2 डैश, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, टोटल चार्ज पहले जितना था उतना ही बाद में रहना चाहिए, इसका मतलब क्यू की वैल्यू q डैश के इक्वल होनी चाहिए, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएंगे, ठीक है, बट टोटल की बात करें दोनों पे तो वो इक्वल ही होगा, वैल्यू शिफ्ट कर लो q1 q डैश इक्वल टू q1 डैश, इस पे चार्ज कितना, इसके कैपेसिटेंस c1 पोटेंशियल v, तो मैं इसको लिखूंगा c1v प्लस सेकंड होगा c2v इक्वेशन नंबर 2, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहते हैं, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन q इक्वल्स टू q डैश, q इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बेटा q डैश, q इक्वल्स टू क्या होना चाहिए q डैश, बिफोर कॉम्बिनेशन टोटल चार्ज इक्वल्स टू आफ्टर कॉम्बिनेशन टोटल चार्ज, मतलब इनिशियल टोटल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल टोटल चार्ज, कंडीशन यही है, तो q इक्वल्स टू q डैश, q की वैल्यू आपके पास है c1v1 plus c2v2 एंड q डैश की वैल्यू है c1v plus c2v, यहां से v कॉमन ले लिया c1 plus c2 अपॉन में आ गया, देन v की वैल्यू आ गई आपके पास c1v1 plus c2v2 अपॉन में c1 plus c2, दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, इक्वेशन नंबर थर्ड, ये आपका क्या होता है कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा कॉमन पोटेंशियल, कोई समस्या, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस का रेशियो क्या होगा, मतलब आपसे पूछूं q1 डैश अपॉन q2 डैश, q1 डैश की वैल्यू आपने रखी c1v, q2 डैश की वैल्यू आपने रखी c2v, देन आंसर आया c1v upon c2v, v से v कैंसिल हो गया c1 upon c2, इक्वेशन नंबर नेक्स्ट जो भी है फोर्थ, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज द रेशियो ऑफ चार्जेज q1 डैश, दोनों बॉडीज के जो चार्जेज का रेशियो है q1 डैश upon q2 डैश इक्वल्स टू c1 upon c2, दोनों की कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल होगा, दोनों की कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल होता है, ये आपने q1 और q2 डैश का रेशियो निकाल लिया। अब मैं आपसे बोलूं कि एक कंडीशन यूज करता हूं, एक कंडीशन ऐसे यूज करता हूं कि सपोज v1 की वैल्यू v2 से बड़ी है, मैंने कंडीशन यूज करी कि सपोज v1 की वैल्यू v2 से बड़ी है, मतलब फर्स्ट वाला जो कंडक्टर है, फर्स्ट कंडक्टर है उसके ऊपर जो पोटेंशियल है v1 उसकी वैल्यू सेकंड कैपेसिटर के पोटेंशियल v2 से बड़ी है, कंडीशन ध्यान से समझना बेटा बहुत इजी है, मैंने कंडीशन रखी इफ v1 इज ग्रेटर देन v2,
V1 की वैल्यू V2 से बड़ी है, तो कॉमन पोटेंशियल जो है वो V1 से तो छोटा होगा, कॉमन पोटेंशियल जो है वो V1 से तो क्या होगा बेटा, छोटा होगा, और V2 से बड़ा होगा। कॉमन पोटेंशियल V जो है वो V1 से तो छोटा होगा इस कंडीशन में, और V2 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इक्वेशन या कंडीशन बनेगी V1 इज ग्रेटर देन V इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V इज ग्रेटर देन V2, मतलब V की जो वैल्यू है वो V1 से तो छोटी होगी बट V2 से बड़ी होगी। अब मैं बोलूं कि भाई डेल्टा V1 फर्स्ट जो बॉडी है उसके पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, डेल्टा V1 क्या है, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, V1 माइनस V, एक्चुअल में पहले से V1 था, कॉमन पोटेंशियल कम हुआ, उसका पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो डिक्रीज होने के बाद सपोज वो V रह गया, अब जो डिफरेंस है वो इसमें जो लॉस हुआ है, पोटेंशियल का जो लॉस हुआ वो डेल्टा V1, ठीक है, उसको हम डेल्टा V1 से रिप्रेजेंट करें। इक्वेशन नंबर 5, ऐसे अगर हम सेकंड कंडक्टर के पोटेंशियल लॉस की बात करें डेल्टा V2, उसमें कितना डिक्रीज हुआ, तो उसकी बात करें तो उसमें डिक्रीज नहीं हुआ, उसमें इंक्रीज हुआ V-V2, उसमें तो एक्चुअल में इंक्रीज हुआ V-V2, V बड़ा है V2 से, तो ये वैल्यू तो इंक्रीज हुई, मतलब जितना इसमें लॉस हुआ उतना इसमें इंक्रीज हो गया। इक्वेशन नंबर 6, अब देखो ध्यान से, मुझे डेल्टा V1 डेल्टा V2 कैलकुलेट करना, V की वैल्यू पुट कर लेंगे दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 से, तो यूजिंग इक्वेशन 5th एंड 3rd, थर्ड से V की वैल्यू यहां पुट कर लो, देन डेल्टा V1 इक्वल्स टू V1 माइनस V की वैल्यू आपके पास है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, LCM ले लो C1 प्लस C2, देन डेल्टा V1 की वैल्यू आ गई C1 प्लस C2, LCM ले लिया, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, V1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 माइनस C1 प्लस C1 V1 कैंसिल हो गया, डेल्टा V1 इक्वल्स टू, इन दोनों में कुछ कॉमन है, C2 कॉमन ले लिया, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट 7, ऐसे आप नेक्स्ट इक्वेशन यूज करो, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 3, यूजिंग इक्वेशन 6 एंड 3rd, ठीक है ना, 6 में भी 3rd से वैल्यू पुट कर लो, देन डेल्टा V2 इक्वल्स टू, आपके पास फार्मूला है, V की वैल्यू आप पहले पुट करोगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2, LCM ले लो, डेल्टा V2 इक्वल्स टू, LCM क्या होगा, C1 प्लस C2, ये वैल्यू ऐसे कैसे, C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस V2 क्या अपॉन में 1 ले लो, इससे मल्टीप्लाई होगा V2, C1 V2 माइनस C2 V2, माइनस का C2 V2 प्लस का C2 V2 कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास, डेल्टा V2 इक्वल्स टू, दोनों में से कॉमन क्या है, C1 कॉमन ले लिया, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। इक्वेशन नंबर 8, और अब आपको सॉल्व करना है रेशियो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 का रेशियो फाइंड आउट करना है, इसमें इसका डिवाइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का डिवाइड रख दिया, राइट हैंड साइड को देखो, इसमें जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां क्या बचेगा C2, यहां क्या बचेगा C1, मतलब C2 अपॉन C1, ये रेशियो आया इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे कंडक्टर्स के, फर्स्ट कंडक्टर का डेल्टा V1, सेकंड कंडक्टर का डेल्टा V2, ठीक है ना, तो उसका जो रेशियो है वो कैपेसिटेंस के इनवर्स के रेशियो के इक्वल होगा, कैपेसिटेंस का जो रेशियो है उसके इनवर्स के इक्वल होगा, मतलब C1 प्लस C2 का पावर -1 करूं या C2 अपॉन C1 लिखो बात एक ही, ठीक है, तो ये चीज भी हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है ना, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब अपने पास टॉपिक बचा है एनर्जी लॉस, अब हमारे पास टॉपिक क्या बचा है, एनर्जी लॉस, तो इसमें आपने 3 चीजें फाइंड आउट करी, जब हम कंबाइन करते हैं दो कंडक्टर को तो कॉमन पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर लिया, कॉम्बिनेशन के बाद जो चार्जेज का रेशियो है वो फाइंड आउट कर लिया, और उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज है या जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं दोनों के, ठीक है ना, डेल्टा V1 और डेल्टा V2 उसका रेशियो फाइंड आउट कर लिया, इजी था यहां तक। अब हम बात करते हैं एनर्जी लॉस की, अब हम बात करते हैं बेटा एनर्जी लॉस की, देखो एनर्जी लॉस की फाइंड आउट कर लेते हैं, इजी है टॉपिक, एनर्जी लॉस किस फॉर्म में होगा, जब एक बॉडी से एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्जेज का ट्रांसफर होगा,
ठीक है, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो क्या होगा बेटा, जो आपने लेस कैपेसिटेंस वायर कनेक्ट किया है उसमें हीटिंग इफेक्ट की वजह से हीट लॉस होगा, उसमें क्या होगा, कंटिन्यूस चार्ज फ्लो होंगे, उससे कंटिन्यूस चार्ज फ्लो होंगे तो वायर हीट करेगा और जो एनर्जी है वो हीट लॉस के फॉर्म में होगी। इसका मतलब अगर हम रिकम्बाइंड करते हैं उससे पहले या कॉम्बिनेशन से पहले की बात करें, कॉम्बिनेशन से पहले की बात करें तो एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी क्योंकि लॉस होगा ही नहीं, रिडिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, ठीक है, चार्जेस इधर उधर जा ही नहीं रहे तो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। जब हम कंबाइंड कर देते हैं तो उसके बाद चार्जेस आपके फ्लो हो रहे हैं तो कुछ एनर्जी हीट लॉस के फॉर्म में हो रही है, वो हीट लॉस एनर्जी जो है हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें बिफोर कॉम्बिनेशन टोटल एनर्जी निकालनी है और आफ्टर कॉम्बिनेशन टोटल एनर्जी निकालनी है, और फिर बिफोर वाले में से आफ्टर वाले माइनस कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी लॉस हो जाएगी। बहुत ईजी है, केवल डायरेक्ट कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। तो अपना टॉपिक बचा इसमें एनर्जी लॉस, और वो एक्चुअल में होता ही होता है, ठीक है ना। अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं एनर्जी लॉस, बहुत ईजी है। बिफोर कॉम्बिनेशन, बिफोर कॉम्बिनेशन, बिफोर कॉम्बिनेशन टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी मैंने उसको U1 से डिनोट किया, मतलब फर्स्ट कंडक्टर की एनर्जी कितनी होगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस ये फर्स्ट कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस V1, पोटेंशियल V1, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर। सेकंड कंडक्टर की बात करें, हाफ C2 V2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 10 9 तक दे दी थी इसको, इक्वेशन नंबर 10 कर दी। ये बिफोर कॉम्बिनेशन टोटल एनर्जी ऑफ टू कंडक्टर C1, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, यही होगी। आफ्टर कॉम्बिनेशन देखो, आफ्टर कॉम्बिनेशन क्या हुआ, आफ्टर कॉम्बिनेशन चार्जेस तब तक ट्रांसफर हुए जब तक दोनों पे पोटेंशियल सेम नहीं हो गया, टोटल एनर्जी। आफ्टर कॉम्बिनेशन टोटल एनर्जी उसको मैंने U2 से डिनोट किया। जब आप उनको कंबाइंड कर देते हो, दोनों कंडक्टर को कंबाइंड कर देते हो तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कंबाइंड हो जाएगी, C1 plus C2 हो जाएगी। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, C1 plus C2, और पोटेंशियल क्या रह गया दोनों पे V, तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, हाफ C1 plus C2 into V square, इक्वेशन नंबर 11, हाफ C1 plus C2 into V square, यही होना चाहिए। कंबाइंड कर दिया इसका मतलब दोनों कंडक्टर एक ही हो गए, तो कैपेसिटेंस पहले की C1 थी दूसरे की C2 थी, तो टोटल कितनी होगी, C1 plus C2, इसको सीरीज पैरेलल मत समझ लेना, ठीक है ना, वो कैपेसिटर में होता है, हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो C1 plus C2 टोटल कैपेसिटेंस होगी, दोनों में पोटेंशियल तो सेम ही है भी, तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ C V स्क्वायर वाला यूज कर लिया, हाफ C1 plus C2 into V स्क्वायर। अब आप चाहो तो पहले V की वैल्यू यहां पुट कर लो कॉमन पोटेंशियल यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, या पहले डिफरेंस निकाल लो एनर्जी लॉस की बात कर लो। हम एनर्जी लॉस की बात करें तो ध्यान से देख बेटा, सेकंड वाली जो एनर्जी है फर्स्ट वाली से कम होनी चाहिए क्योंकि हीट लॉस हो जाता है इसमें, जो हमने लेस कैपेसिटेंस वायर कनेक्ट किया है उसमें हीट लॉस होगा, तो वो लॉस ही हमारी एनर्जी लॉस है। तो एनर्जी लॉस डेल्टा U इक्वल्स टू U1 माइनस U2, U1 U2 की वैल्यूज यहां से पुट कर लो और फिर बाद में इसमें कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू भी पुट कर लेना, देन डेल्टा U इक्वल्स टू U1 की वैल्यू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस U2 ये वाली वैल्यू हाफ C1 प्लस C1 plus C2 into V square, V की वैल्यू आपको पता है वो पुट कर लो और आगे सॉल्व कर लो, ये इक्वेशन देने की जरूरत नहीं है, V की वैल्यू पुट करो यूजिंग कार्ड, देन डेल्टा U जो है वो आया हाफ C1 V1 square plus हाफ C2 V2 square minus हाफ C1 plus C2 into V, V की वैल्यू आपको पता है C1 V1 plus C2 V2 अपॉन C1 plus C2 का होल स्क्वायर, C1 plus C2 का होल स्क्वायर, देखो इसका होल स्क्वायर करेंगे इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो एक टर्म तो कट जाएगी, हाफ पूरे में से कॉमन आ जाएगा, हाफ पूरे में से क्या होगा कॉमन आ जाएगा, तो वो कॉमन भी ले लो और उसको सिंपलीफाई कर लो, देन डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो आपके पास सही हाफ कॉमन ले लिया, यहां पे आपके पास बचा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 plus C2, एक C1 plus C2 इसका होल स्क्वायर करेंगे कट जाएगा, ऊपर बचेगा C1 V1 plus C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 plus C2, अपॉन C1 plus C2। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, LCM लो C1 plus C2 इसका होल स्क्वायर कर लो और आगे सॉल्व कर लो, देन डेल्टा U इन वस्तु वैल्यू आ गई आपके पास हाफ, देखो LCM हो गया आपका C1 plus C2, C1 plus C2 आपका LCM हुआ, ठीक है, अब इसके अपॉन में 1 कंसीडर कर लो, तो 1 का इसमें डिवाइड किया C1 plus C2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू देखो C1
स्क्वायर वी वन स्क्वायर, सी वन से मल्टीप्लाई हो गया, सी टू से भी करना होगा, प्लस सी वन सी टू वी वन स्क्वायर, ऐसे इसको सॉल्व कर लो, प्लस सी वन सी टू वी टू स्क्वायर, प्लस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर, माइनस किसका होल स्क्वायर कर लो, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर माइनस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर, ठीक है ना, ये माइनस यहाँ रहेगा, ठीक, थोड़ा यहाँ लिख लो, माइनस ट्वाइस सी वन सी टू वी वन वी टू, देखो माइनस का सी वन वी वन स्क्वायर प्लस के सी वन वी वन स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, ऐसे ये वाला टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो गया और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा, देन डेल्टा यू की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई हाफ, इसमें से और इसमें से और इसमें से सी वन सी टू कॉमन ले लिया, सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, यहाँ बचा वी वन स्क्वायर, यहाँ पे बचा प्लस का वी टू स्क्वायर, माइनस यहाँ पे बचा ट्वाइस वी वन वी टू, इसको हम क्या लिखेंगे, वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर, वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर, देखो डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो आपके पास आई फाइनली हाफ सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर, ये आपके पास एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आ गया, डेल्टा यू इक्वल टू हाफ सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो बेटा ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि इसका डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे, चाहे वी वन बड़ा हो चाहे वी टू बड़ा, इसका डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है, तो इसका मतलब एनर्जी लॉस पक्का होगा, एनर्जी लॉस किस केस में नहीं होगा, जब v1 और v2 दोनों इक्वल हो, v1 और v2 इक्वल होंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ये डिफरेंस जीरो होगा, डिफरेंस जीरो होगा तो एनर्जी लॉस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, एनर्जी लॉस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, पर वो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब v1 v2 इक्वल है तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा ही नहीं, इसका मतलब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं जाएगा तो एनर्जी का लॉस होगा भी, ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है ना वो फिनिश हो गया बेटा, अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, एक लेक्चर और लेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थैंक यू।